2019 अभी शुरू भी नहीं हुआ है और 2018 से हम 5G की बात करने लगे हैं, चाहे फोन्स हो या फिर मोबाइल नेटवर्क्स में क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि 2019 बहुत जल्दी है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में ही बात करें ना, तो इंडिया में जो है ना वो 5G अभी तक किसी भी कंपनी के पास नहीं है। एक्चुअली में अभी तक 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है ना वो हुआ ही नहीं है, और 2019 के एंड तक जो इंडियन गवर्नमेंट है ना वो ऑक्शन करेगी 5G स्पेक्ट्रम का, जिसमें जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है ना वो सारी बिडिंग करेंगी, और उसके बाद जब इनके पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा तब वो 2020 में रोल आउट करना चालू कर सकती है 5G को। लेकिन तब भी जो 5G का रोल आउट है ना वो इतना ज्यादा आसान नहीं होने चला है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए ना तो इस टेक्नोलॉजी में उन्हें काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो 5G है ना वो mm वेव्स का यूज करता है, यानी कि मिलीमीटर वेव्स का। सीधी भाषा में 5G के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन मोबाइल फोन का जो कवरेज है ना वो बहुत ही कम होने वाले। इसका मतलब है कि जो 5G के सिग्नल होंगे ना वो आसानी से ब्लॉक हो जाएंगे किसी भी बिल्डिंग से, पेड़ से, यानी कि अगर आपने गलत एंगल से फोन को हाथ में पकड़ रखा ना तो आपके हाथ से भी सिग्नल ब्लॉक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कभी बारिश हो गई या फिर कोहरा आ गया, फॉग आ गया, तो इन सब से भी जो 5G का सिग्नल है ना वो ब्लॉक हो सकते हैं। और यहाँ तक कि जो 60 GHz का जो स्पेक्ट्रम निकला है 5G के लिए, उसे तो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो देखा जाए तो जो 5G का सिग्नल है ना वो एयर से भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा इन्हें सेल टावर और जो सेल्यूलर इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो रिसीवर जो ट्रांसमीटर होते हैं ना, वो ज्यादा लगाने पड़ेंगे। वो बिल्डिंग के ऊपर भी लगाने पड़ेंगे, बिल्डिंग के बाहर भी और बिल्डिंगों के अंदर भी, यानी कि आपको ऑफिसेज, मॉल्स में हर जगह आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आने वाली है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि वहां पे आपको पोर्टेबल सेलुलर टावर्स देखने को मिले, तो अभी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होने वाली है। लेकिन 5G के साथ इतना कंफर्म है कि आपको जो नेटवर्क का जो कवरेज है ना वो कम देखने को मिलेगा, और नेटवर्क की प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। चलो ये सब तो कंपनी धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगी, ज्यादा से ज्यादा सेल रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स भी लगा देंगे। लेकिन फोन्स का क्या, क्योंकि जब 5G फोन्स ही नहीं रहेंगे तो 5G नेटवर्क का आप यूज कैसे करोगे। तो देखा जाए तो जो मोबाइल फोन की कंपनीज है उनमें भी आज की डेट में रेस लगी हुई कि कौन सी कंपनी अपना पहला 5G फोन लेकर आती है, और वो भी देखने वाली बात ये है कि इंडिया में कौन सी कंपनी अपना पहला 5G फोन लेकर आती है। लेकिन 5G फोन के साथ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है, वो ये है कि 5G का जो आज की डेट में जो मोडेम है ना वो जो SoC रहती है, जिस तरीके से स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक अपने प्रोसेसर बनाते हैं ना, उसे SoC कहा जाता है, जिसके अंदर उनका CPU, GPU, ISP, Wi-Fi ये सारी चीजें उसके अंदर इनबिल्ट की जाती है। तो जो SoC है ना उसके अंदर 5G का मोडेम इनबिल्ट नहीं किया गया, जैसे कि हाल ही में जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 है ना, तो वो 5G कंपैटिबल है, उसके अंदर आपको 5G का मोडेम लगा हुआ देखने को नहीं मिलता। तो देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 855 में आपको 4G LTE मोडेम ही देखने को मिलता है, और अगर उसमें आपको 5G लगाना है तो उसके लिए क्वालकॉम ने एक अलग से 5G मोडेम बनाया, जिसको कहा गया स्नैपड्रैगन X55G मोडेम। सीधी भाषा में एक 5G की अलग से चिप है, वो आपको फोन में लगानी पड़ेगी तभी 5G चलेगा, और ये फोन के पार्ट से अलग है। तो इसका मतलब कि फोन के अंदर इस चिप को लगाने के लिए स्पेस भी चाहिए, और ये ज्यादा बैटरी भी कंज्यूम करेगा। और इसके साथ ही 5G को एक एक्स्ट्रा एंटीनास की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 5G के सिग्नल वीक है। तो अभी जो प्रोटोटाइप निकल के आए 5G फोन्स के, उन्हें देख के पता चलता है कि फोन्स के अंदर आपको 3, 4 या 5 एंटीनास भी देखने को मिल सकते हैं, ताकि फोन को आप किसी भी एंगल से पकड़ो उसमें 5G सिग्नल का लॉस ना हो। और जब आप इतनी सारी चीजें फोन के अंदर लगा देते हो ना, तो फोन ज्यादा बड़ा हो जाता है, ज्यादा मोटा हो जाता है, वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, ऊपर से उसमें बैटरी का ड्रेन भी ज्यादा होता है, और ऊपर से हीटिंग भी होती है, और ऊपर से फोन महंगा भी हो जाता है। यानी कि जो 5G फोन आने वाले हैं ना 2019 में, वो बहुत महंगे होने वाले हैं, और वो पूरी तरीके से परफेक्ट होंगे भी नहीं। और इसलिए जो एप्पल है उसने अभी से ही बोल दिया कि 2019 जो है ना वो टू अर्ली है 5G के लिए, क्योंकि वो अपना पहला 5G आईफोन जो होगा ना वो 2020 में लाने वाले हैं, क्योंकि तब तक उन्हें लगता है कि वो 5G से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व कर लेंगे, और 2020 तक 5G का जो कवरेज है वो भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब 2019 में जो 5G फोन्स होंगे ना वो फर्स्ट जनरेशन के 5G फोन्स होंगे, वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होंगे और उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। लेकिन 2020 में जब सेकंड जनरेशन के 5G फोन्स आएंगे, तो हो सकता है कि वो ज्यादा सही हो और 5G के हिसाब से ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो, और उन फोन्स में जो 5G से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तब भी बात करें ना, तो 2020 में आपको पूरे इंडिया भर में 5G का नेटवर्क देखने को नहीं मिलने वाला है, और 5G को पूरे इंडिया में आने में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग लोगे 5G फोन अगर 2019 में आता है, या फिर 2020 या फिर फ्यूचर में कभी लेना पसंद करोगे? तो ये बात कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।